Hello, my dear students. Welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. I am Vaishnavi Shandilya, your English teacher, going to start your new topic that is past perfect tense from today.

वो आपके किस में कैटेगराइज होते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अच्छा आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आपका आपको परफेक्ट जो होता है वो आपके पास्ट से रिलेटेड होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो समझ में आया कि जस्ट डन एक्शन आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आ गए पर पास्ट में आप पास्ट से जुड़े एक्शन को कैसे मतलब समझोगे ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए तो इसको आज हमने लिया है एज अ टॉपिक तो हम आप डिस्कस करेंगे पे इसकी वर्क फॉर्म इसमें और चीजें क्या यूज में होती है इसको कैसे एग्जाम्पल्स में यूज करते हैं सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ इट्स डेफिनेशन वेर टेंस इज यूज टू शो दैट एन एक्शन हैड द पास्ट एक्शन बिगिन इट इज नोन एज पास्ट परफेक्ट टेंस इसका मतलब यह है कि ऐसा टेंस जि, जिसमें क्या होता है एक एक्शन पहले कम्प्लीट होता है दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस वापसी से समझिए वेन अ टेंस इज यूज टू शो दैट है पास कि एक एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका है बिफोर अनादर एक्शन बिगेन दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले एक एक्शन पहले ही आपके कंप्लीट हो चुका था उसी को हम क्या बोलते हैं परफेक्ट टेंस ओके अब हम बात करें अगर इसके वर्ब फॉर्म की तो वर्ब फॉर्म क्या होती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अब सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब जो फॉर्म थी वो क्या थी अगर हम इसकी बात करें पास परफेक्ट टेंस की तो इसमें बच्चों आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना हमने प्रेजेंट में दो वर्क फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था यहाँ पे आपका सिंगल सिर्फ हेड का यूज होता है एज इट इज और आपकी वर्क की थर्ड फॉर्म एज इट इज इसमें यूज होती है अच्छा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली जो बात है कि हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बच्चों आपका जस्ट का यूज हो रहा था क्यों क्योंकि वो जस्ट डन एक्शन हो रहे थे उसमें तो उसमें किसका यूज हो रहा था जस्ट का अब इसमें उसका जस्ट अपोजिट बिफोर का यूज होता है क्यों क्योंकि इसमें दो एक्शन की कई बार बातें हो जाती है जिसमें आपको यह बताना पड़ता है कि दूसरा एक्शन बाद में स्टार्ट हुआ है उससे पहले आपका एक एक्शन पहले डन हुआ है इसीलिए यहां पर समटाइम्स बिफोर इज ऑल्सो यूज इन दिस टेंस इसीलिए कई बार इसमें क्या होता है बिफोर का यूज होता है इस टेंस में अब चलिए हम अगर एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़े तो देखिए क्या है ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर शी रीच द स्टेशन अब यहां पर आप देखिए मैंने हेड का यूज किया है और किस वर्क थर्ड फ्रॉम लेफ्ट यूज किया है और किसका यूज किया है बिफोर अब बिफोर का यूज यहाँ पे क्यों हुआ है क्योंकि द ट्रेन हैड लेफ्ट ये आपका पहला एक्शन है जो हो चुका था ट्रेन पहले ही जा चुकी थी ठीक है तो ये एक्शन हो चुका है अब हमने दूसरा एक्शन इसमें इन्वॉल्व किया है बिफोर सी रीच द स्टेशन ये एक्शन भी है तो फास्ट का क्यों क्योंकि रीच रीच जो है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं ईडी ऐड कर रहे हैं हमने सिंपल टेंस में अगर आपको याद हो तो ये पढ़ा था

अच्छा आगे बढ़ते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क वेन माई फादर केम मैं वर्क कर चुका था जब तक मेरे फादर आए वो वर्क पहले ही कर चुका था उसके फादर बाद में आए हैं तो ये आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क अगर इतना भी आपको सेंटेंस दिया जाए बच्चों तो भी वो पास परफेक्ट का ही एग्जाम्पल होगा क्यों क्योंकि वो एक्शन तो परफेक्ट में ही हो रहा है ना उसने अपना वर्क वो वर्क कर चुका था एक्शन किस में हो रहा है परफेक्ट में हो रहा है और किस टाइम पीरियड में हो रहा है आपके पास्ट के टाइम पीरियड में हो रहा है तो ये ये समझने वाली चीज है कि कई बार आपको ऐसा नहीं है कि सेकंड एक्शन भी अवेलेबल हो या दिया हुआ हो अगर आपको सिंपली हैड दिया हो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो भी आप इससे ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है जैसे यहां पर क्या है कि ट्रेन पहले ही जा चुकी थी उसके स्टेशन पहुंचने से पहले तो पहले का यूज क्यों किया जा रहा है क्योंकि एक एक्शन उससे जस्ट बिफोर हो चुका है दूसरा एक्शन बाद में हुआ है कि वो स्टेशन पहुंची थी ठीक है बट है दोनों पास्ट के ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट का है ये पास्ट का है दोनों पास्ट के एक्शन है बस फर्क क्या है कि इन दोनों में से कोई है? एक ऐसा एक्शन है जो पहले हुआ है दूसरा ऐसा एक्शन है जो पास में ही बाद में हुआ है इसके अलावा पास परफेक्ट में और कुछ नहीं है बस आपको याद ये रखना है कि एक एक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद ही आपका मतलब दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले आपका पहला एक्शन कंप्लीट होता है ठीक है बाकी ये सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए आपको ये याद रखना है कि इसमें बिफोर का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में हम जस्ट का यूज़ करते हैं इसमें हम बिफोर का यूज़ करते हैं सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम